ओम शांति। आज की तारीख है 4/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात हरेक को अपने आप से पूछनी है। उत्तर है, जैसे बाप साक्षी हो हरेक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतींद्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाया है, योग बल से पापों को भस्म कर हमको पुण्य आत्मा बना रहे हो। कौन ये सब बाबा करते, गीत बजा है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है, श्री मत पर, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सदा शक्ति के, सदा गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजानों से भरपूर रहो। तो भरपूर के नशे का टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आ जाएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या फिर बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।